हे गाइस, फाइनली आज बड़े दिनों बाद बीच में थोड़े से बिजी हो गए थे इसलिए आ नहीं पाए आपके पास, लेकिन आपके लिए ऐसी मतलब क्रैकर ऑफ अ डील लेके आया हूँ आज मैं। आज हम हैं सुशांत लोक 1 सी ब्लॉक में 215 स्क्वायर यार्ड प्योर ईस्ट फेसिंग पार्क फेसिंग A++++ कंस्ट्रक्शन। आपको घर देख के मज़ा आ जाएगा। चार फ्लोर्स में से टॉप एंड सेकेंड निकल गए हैं, फर्स्ट एंड थर्ड अवेलेबल हैं। सो हैविंग सेड दैट, आपको एक ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी दिखाने के लेके चलते हैं, बहुत ही मजा आने वाला है। कम सो गाइज, यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने स्टिल्ट लेवल पे। मैं आपको अभी थर्ड फ्लोर एज अ सैम्पल दिखाऊंगा, हालांकि जो जैसे कि मैंने कहा थर्ड एंड फर्स्ट फ्लोर दोनों अवेलेबल हैं, दो फ्लोर्स निकल गए हैं एंड A++++ कंस्ट्रक्शन बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये है यहाँ का स्टिल्ट लेवल, पूरे फ्लोर में पत्थर लगा हुआ है विच इज़ पूरा डायमंड पॉलिश्ड ग्रेनाइट, जिसमें आप अपनी शक्ल देख सकते हैं। एक एक लाइट की रिफ्लेक्शन बड़ी क्लियरली आपको फर्श में नज़र आ जाएगी। सिर्फ साफ सफाई का काम बाकी है, बाकी बिल्डिंग पूरी तरह से रेडी है। आपको सिर्फ अपने कपड़े और सूटकेस लेके फर्नीचर के साथ यहाँ पे आना है और रहना शुरू कर देना है, एज सिंपल एज दैट। बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी है। यहाँ पे ये स्टिल्ट लेवल हो जाता है ख़त्म, पूरा पिलर लेस स्टिल्ट लेवल है बाय द वे, जैसे कि मैंने आपको बताया। एंड बढ़िया से चार सर्वेंट क्वार्टर्स दिए हुए हैं, सर्वेंट क्वार्टर्स भी अच्छे खासे स्पेशियस हैं। ऑफकोर्स जो थोड़ा बहुत सामान रखा है ये सारा यहाँ से बाहर चला जाएगा एंड आपको घर आपके हाथ में मिल जाएगा। यहाँ से चलेंगे ऊपर, ये यहाँ पे इसकी लिफ्ट है, ये अब सारे फ्लोर्स पे जाती है एंड वी विल गो टू द थर्ड फ्लोर एंड शो इट यू। सो गाइज, अब हम आ गए इसके थर्ड फ्लोर पे। आपको क्विकली अंदर जा कर चीज़ दिखाता हूँ। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्विकली सब्सक्राइब कर दो ना यार, इसमें तो आपके पैसे भी नहीं लगेंगे। और अगर लाइक कर दोगे तो मतलब आपको मज़ा आ जाएगा, ये वीडियो आपके लाइक वीडियोस में रहेगा, जब मर्जी जाके आप इसको वापस री रेफर कर सकते हो। सो वेलकम वेलकम वेलकम, दिस इज़ द ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ड्राॅइंग डाइनिंग एरिया ऑफ द हाउस। बहुत ही खुल्ला डुल्ला मतलब बढ़िया तरीके से बना हुआ, फॉल सीलिंग पे नज़र डालिए, पीछे इतना सुंदर बैकलिट पैनल वर्क हो रखा है। जस्ट हैव अ लुक एंड दिस वुड, इतनी स्मूथ फिनिश पे सारी चीज़ फिनिश्ड है, सारा मेलामाइन फिनिश है, बहुत अच्छा लगता है। साथ में है इसके बालकनी एंड बालकनी से निकलते ही है हमारा पार्क। सो कितना सुंदर यहाँ से व्यू आता है, हमेशा आपका व्यू यही रहेगा। दिस प्रॉपर्टी लुक्स जस्ट एब्सोल्युटली बॉन्कर्स ब्यूटीफुल। यहाँ से चलेंगे अंदर, प्रॉपर्टी में है तीन बेडरूम्स, तीनों बेडरूम्स का आपको मैं टूर कराऊंगा, आ जाओ। सो यहाँ पे है हमारा फर्स्ट बेडरूम विच इज राइट हियर। प्रॉपर्टी वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से बनी है, सो बिकॉज ये ईस्ट साइड है वो वेस्ट साइड है, ये साउथ है और ये नॉर्थ है। सो यहाँ पे साउथ में हेड रखा गया है बेड का, जिससे कि कहते हैं साउथ में जो अपना हेड करके सोते हैं पैसा बढ़ाता है उनके पास। सो यहाँ पे कहीं पे 6 फुट इसका बेड का कंप्लीट हो जाता है, बाकी ये सारा एरिया खाली रहता है और यहाँ पे टीवी हैंग करने की जगह है। अंदर से यहाँ पे ये बड़ी सुंदर सी कैमोफ्लाज वार्डरोब है, ये पूरी वाइट कलर की, अंदर से बैकलेट, तो आपको चीज़ें ढूंढने में भी आसानी होगी। या इसके साथ है यहाँ पे एक बड़ा ही सुंदर सा बाथरूम। बाथरूम की फिनिशेस आपको मैं दिखाऊँ, मतलब ये फ्लूडेड है बेसिकली, अंदर से हॉलो है, तो जब आप इसको बंद कर देंगे इसमें से पानी बाहर नहीं निकल सकता। अच्छा खासा शावर एरिया है, शावर ऊपर लगा हुआ है, ओवरहेड शावर आप देख सकते हैं। एंड बड़ी ही हाई फाई टाइप की ना, अमेरिकन स्टैंडर्ड एंड अमेरिकन स्टैंडर्ड, सारे अमेरिकन स्टैंडर्ड की इसमें फिटिंग्स, सैनिटरी फिटिंग्स अमेरिकन स्टैंडर्ड की लगी हुई हैं। यहाँ से चलेंगे, यहाँ पे आ जाता है हमारा एंट्रेंस डोर जहाँ से हम एंटर किए थे, तो इसको यहाँ पे अभी बंद कर देते हैं। एंड बिल्कुल यहाँ पे है हमारा वेल अपॉइंटेड किचन, दिस इज़ द किचन राइट हियर। साफ़ सुथरा, दो लोगों के काम करने के लिए बिल्कुल बढ़िया से यहाँ पे काम कर सकते हैं। दिस इज़ द होल पैंट्री यूनिट, यहाँ पे पता नहीं कितनी सॉस की बॉटल्स और मसाले के जार्स आ जाएंगे। उसके अलावा आपको यहाँ पे माइक्रोवेव OTG वगैरह लग के मिलेगा। यहाँ पे इसका बड़ा सा हॉब एंड चिमनी, 4 बर्नर हॉब एंड साथ में चिमनी आपको लगी हुई मिलती है, फेबर कंपनी की है विच इज़ अ वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड। एंड एक यहाँ पे आपको वेट एरिया मिल जाता है बर्तन वगैरह धोने वगैरह के लिए। यहाँ पे आते हैं बाहर, दिस आई लाइक दिस पर्सनली अलॉट, ये आपका विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम है। नीचे कोई आता है उसकी फ़ोटो यहाँ पे आ जाएगी कि ये बंदा आया हुआ है, नीचे कैमराज लगे हुए हैं एंड आप बस यहाँ से बटन दबाएंगे तो वो बिल्डिंग को एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पे आएगा हमारा सेकेंड बेडरूम। नाउ दिस बेडरूम ऑल्सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वास्तु, जैसे कि मैंने आपको कहा था
साउथ पे इसका हेड है। दिस इज द ब्यूटिफुल वॉल राइट हियर, बड़ा ही सुंदर ग्रूव वर्क हो रखा है, बिल्कुल सट फ्लैट स्मूथ फिनिश है सारी वॉल की, बहुत ही सुंदर लगती है। एंड ऑफ कोर्स फॉल सीलिंग पे भी एक नज़र मार लो, कितनी सुंदर तरीके से सारा ट्रीटमेंट है। एंड वाइल ये बेड यहाँ तक आके आपका इधर कहीं तक कंप्लीट हो जाएगा, बाकी का एरिया पूरा फ्री रहता है। दिस इज़ द प्लेस वेयर यू पुट द टीवी एंड साथ में हियर इज द बाथरूम। बाथरूम में भी मतलब चीज़ें इतनी सुंदर टाइप की बनी हुई हैं, दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अच्छा खासा शावर एरिया है, दीवारों पे टाइल्स लगी हैं एंड यहाँ पे इधर भी एक बैकलिट हाइलाइटेड शेल्फ है जहाँ पे आप अपनी शैम्पू सोप्स वगैरह रख सकते हैं। एंड बेसिकली ओवरऑल लुक एंड फील इस बाथरूम की बहुत अच्छी है। अब फाइनली द मेन मैन ऑफ द मैच इस घर का मास्टर बेडरूम, दिस राइट हियर इज द मास्टर बेडरूम। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल साइज का मास्टर बेडरूम, 215 गज में इतनी सारी स्पेस निकाली है आपके लिए जिससे कि आप आएँ और हमेशा खुशी खुशी इस घर में रह पाएँ। ब्यूटिफुली यहाँ पे इसके वार्डरोब्स बने हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था अंदर से बैकलिट है, पूरे लॉफ्ट लेवल तक बने हुए हैं। एंड इसका अटैच्ड वॉशरूम जो कि बिल्कुल इसके साथ आता है, यहाँ पे है इसका शावर यूनिट, ऊपर इसका रेन शावर लगा हुआ है, पूरे वॉल टू वॉल टाइल्स हैं बिल्कुल नीचे से लेकर सीलिंग लेवल तक। एंड एज यूजुअल अमेरिकन स्टैंडर्ड की सारी फिटिंग्स लगी हुई है। नाउ अभी भी खत्म नहीं हुई, अभी भी एक चीज़ है दिखाने वाली, वो है इस घर की बैक बालकनी। ये देखिए बॉस, यहाँ पे पूरा जंगले का वर्क हो रखा है, सो इतनी सारी स्पेस मतलब ये सब कुछ आपको इतनी सारी स्पेस 215 गज में मिल जाती है, विच इज़ वेरी नाइस स्पेस। यहाँ पे आप सिर्फ टाइल्स रख सकते हैं और इस एरिया को अपना एक प्रॉपर घर के अंदर का गार्डन बना सकते हैं, दिस मेक्स इट वेरी वेरी नाइस। एंड दैट्स बेसिकली दैट, यहाँ पे आपका वॉशरूम वॉशिंग मशीन का एरिया आ जाता है, इधर पूरी ढलान बना के ड्रेनेज सिस्टम दिया हुआ है और यहाँ पे आपका प्लग आ जाता है। सारे घर के एसीज के एग्जॉस्ट यूनिट्स इसी बैल्कनी में आ जाएंगे, तो साल में एक बार ही जब उनको सर्विस कराना है, सिर्फ बस अपनी अर्बन कंपनी से किसी को बुलाया और सर्विस करा के बात को ख़त्म किया। बेसिकली दिस इज़ अ ब्यूटिफुल नो नॉनसेंस 215 स्क्वायर यार्ड ए प्लस प्लस कंस्ट्रक्शन हाउस, पूरे घर में इटालियन मार्बल लगा हुआ है जिसमें आप अपनी शक्ल देख सकते हैं, साफ सुथरी चीज़ है, आके ले जाओ फटाफट से। इस प्रॉपर्टी के स्पेसिफिक आपको एक बहुत अच्छा सा ऑफर भी देता हूँ, अगर आप ये प्रॉपर्टी मेरे थ्रू खरीदते हैं, मेरी तरफ से आपके लिए 3 nights and 4 days का गोवा का ट्रिप ऑन मी जस्ट फॉर यू। ओके, सो हैविंग सेड दैट आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ये बढ़िया सी प्रॉपर्टी, आ जाओ देख लो और ख़त्म कर लो, इसको अपना घर बना लो। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो। किसी को अगर ये प्रॉपर्टी पसंद आती है या आप कोई ढूंढ रहे हैं प्रॉपर्टी, आप उनको ये वीडियो भेज सकते हैं। और अगर आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो जो नंबर दिया गया है स्क्रीन पे, उसको बस कॉल करना है, अपॉइंटमेंट सेट करनी है, देखने आना है और घर को अपना बना लेना है। सो टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चीयर्स।